यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है, और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। एक नया बिल ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने का प्रयास करता है। शिबा इनू टॉप व्हेल्स द्वारा सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले टोकन्स की लिस्ट में टॉप 10 में लौटा। दुनिया की सबसे बड़ी ETH व्हेल ने 50 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे। ऑफिशियल्स ने मेजर टर्किश यूनिवर्सिटीज में पहला NFT के ऊपर लेसन अटेंड किया। चाइनीज सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को इलीगल रूप में क्लासिफाई किया। टेरास लूना टोकन $25 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करते हुए 27% यूके की सरकार क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड से लड़ने के लिए एक नया नियम बना रही है। यूक्रेन क्रैश के बाद बिटकॉइन की कीमत 7% से बढ़ी। सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना डिजिटल वॉलेट्स के लिए एक नया नियम बना रही है। जैक डॉर्सी का ब्लॉग पॉजिटिव क्रिप्टो क्वार्टरली अर्निंग्स पर 42% से जंप किया। कार्डानो लूना और सोलाना क्रिप्टोकरेंसी मार्केट क्रैश के बाद 10-20% से रिकवर किए। डोजकॉइन के को फाउंडर बाकी नेम क्रिप्टोकरेंसी को कोसते हैं और उनकी तुलना पोंजी स्कीम से करते हैं। बिग्सबू कॉइन खुद का मेटावर्स लॉन्च करने के लिए रेडी है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में कानूनी रूप से डिजिटल करेंसीज को मान्यता देने वाला लेटेस्ट देश बनने के लिए तैयार है। इसकी मंजूरी के लिए सीनेट में एक नया प्रो बिटकॉइन बिल है। बिल पर 3 साल से काम किया जा रहा है और यह डिजिटल एसेट्स को दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए नियंत्रित करेगा। पहली बार 2019 में पेश किया गया था और इस सप्ताह सीनेट में आर्थिक मामलों की समिति CAE द्वारा मेजोरिटी से इस बिल को मंजूरी दी गई। वेल स्टैट्स के अनुसार शिबा इनू मीम क्रिप्टो करेंसी एक बार फिर बाजार के सबसे अधिक खरीदे गई संपत्ति के शीर्ष पर पहुंच गया है। हालांकि खरीदा गया अमाउंट निग्लिजिबल है, लेकिन मजबूत बाइंग पावर पहले से ही क्रिप्टो बाजार में आ गई है क्योंकि मेजॉरिटी एसेट्स रीबाउंड कर रहे हैं। बाजार में शिबा इनू होल्डिंग्स का कुल USD वैल्यू वर्तमान में $1.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि कल यह $1.2 बिलियन के करीब था। वेल की संपत्ति का कुल मूल्य शिप टोकन की कीमत में 13.5% की वृद्धि से समावित है। दुनिया की सबसे बड़ी इथ वेल लाइट ने एक दिन में 49.9 बिलियन शिप्ट की खरीदी की। विशेषज्ञों का दावा है कि ये खरीदी ETH वेल द्वारा संचित उच्चतम और सबसे उल्लेखनीय शिप टोकन का हिस्सा है। ध्यान दें कि वेल की खरीदी की खोज टॉप 1000 ETH वॉलेट्स के ऑनचेन विश्लेषण फर्म वेलस्टैट द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट के आधार पर की गई है। वेल द्वारा खरीदे गए शिप की उच्चतम राशि का लेन देन कैसे होता है, इसके अलावा यह वेलस्टैट्स के लेन देन ट्रैकिंग, इसके अलावा ये वेलस्टैट्स के आंकड़ों में पहले नंबर पर आता है। यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स में NFT पर एक कोर्स जोड़ा है जो क्रिप्टो संबंधित विषय पढ़ाने वाला पहला टर्किश यूनिवर्सिटी बन गया है। हुरियत डेली के एक नए रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति प्रशासन और सांस्कृतिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी NFT के इस नए लेक्चर में शामिल थे। चीन के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो के लेन देन को अवैध के रूप में कैटेगराइज कर दिया है और कहा कि उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना और 10 साल तक जेल हो सकती है, जबकि शीर्ष स्तरीय चीनी सरकारी नियाको ने पहले ही 2021 में क्रिप्टो को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब यह कदम क्रिप्टो ट्रेडिंग को औपचारिक रूप से अवैध बनाता है और सरकार को इस रूल का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का राइट देता है। टेरा का लूना टोकन पिछले 24 आवर में 27% से बढ़ गया है। शुक्रवार को शुरुआती यूरोपियन घंटों में $25 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसने हासिल कर लिया है। इस कदम ने गुरुवार को लगभग सभी नुकसान मिटा दिए, जबकि यूक्रेन पर किए गए रूस के आक्रमण के बाद क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट बाजार में गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगभग $3.8 बिलियन मूल्य के टोकन के साथ लूना ने गुरुवार रात को 50 से बढ़कर $66 पर पहुंच गया। महीनों की गिरावट के बाद हाल के दिनों में कीमतों में 25% की वृद्धि लूना के लिए बड़ी थी, लेकिन लूना अभी भी अपने ऑल टाइम हाई जो कि $103 के ऊपर था उससे 35% से नीचे है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी से निपटने के लिए यूके की सरकार नया नियम तैयार कर रही है ताकि अदालतों के लिए क्रिप्टो करेंसी का पता लगाना आसान हो। कल एक कानूनी सम्मेलन में बोलते हुए यूके के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक सर जेफरी वेस ने ये कहा कि निकाय की एक उप समिति जो अदालतों के लिए नियम लिखती है कानून को बदलने की मांग कर रही है ताकि अदालतों के लिए धोखाधड़ी के मामलों में काम करना आसान हो जाए, स्पेशली जिनमें की क्रिप्टो करेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो।
पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत में 7% की वृद्धि हुई है और इसी के साथ इस सप्ताह के बाजार की दुर्घटना में खोए गए लेवल्स में रिटर्न किया है। वर्तमान में बिटकॉइन $38,192 पर बैठा हुआ है। प्रतिदिन कॉइन मार्केट कैप पर 7% के और डे टू डे इंक्रीज में कॉइन मार्केट कैप पर 7.02% से बढ़ा है। इस सप्ताह की शुरुआत में $35,000 के निचले स्तर पर गिरने के बाद बिटकॉइन खारिज होने से पहले $38,900 के 24 आवर के हाई पर आ गया।